क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ और आप ही ला रहे हो और पीछे ये समझ रहे हो कि जनता तो बेवकूफ है। यहाँ पूरा का पूरा खेल और ये जो है वो एनसीपी का है। एनसीपी को और यहाँ के लोगों को इलेक्शन में लड़ने के लिए बड़ी रकम टॉरेंट ने दी है। तो टॉरेंट अगर चाहे कि साहब आधे दाम पे जो अहमदाबाद और सूरत में दे रही है उस रेट पे हमको देती है, अधिकारी हो तो अहमदाबाद में बैठता है, यहाँ है ही नहीं है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो टोरेंट का मुद्दा है। चाहे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के आंदोलन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और टोरेंट का जो बिजली रेट है, जो एवरेज बिल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ मुंब्रा शहर में काफ़ी नाराज़गी है। और आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, खास करके टोरेंट के ऊपर कि टोरेंट जिस तरह से बिजली बिल भेज रही है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता अबू अल्तमस फैजी साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ली गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इसका मकसद था टोरेंट के खिलाफ और क्या इनकी मांगे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। फैजी साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है तो क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, मांग तो ये है कि इन लोगों ने सबसे पहले ये कहा था, सत्ताधारी पक्ष ने ये कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो हम यहाँ पे टोरेंट को नहीं आएंगे। टोरेंट का जो पास्ट है, जो हमारे जो नियरेस्ट हमारा सिटी है भिवंडी, वहाँ का पास्ट ये कहता है कि ये लोग वहाँ पे बहुत सारा जुल्म किया है। बिजली का काटना, ज़्यादा बिल देना, ज़्यादा चार्जेस लगाना, फिर उसके बाद केस करना, ये सब था। एमएससीडी सेल का उतना ज़्यादा जुल्म यहाँ पे नहीं रहा है गवर्नमेंट की होने की वजह से। अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे अगर हम पावर में आते हैं, और पावर में आ गए हैं, तो आने के बाद उन्हीं के सिग्नेचर से यहाँ पे टोरेंट कंपनी आई है, ये हमें एक लेटर से पता चल रहा है। और उस लेटर से ये भी पता चल रहा है कि जो जो मंत्री उस फाइनल डिस्कशन में इंक्लूडेड थे उसमें लिखा हुआ है राज्य गृह निर्माण मंत्री। इसका मतलब यहाँ के MLA भी उस मीटिंग में मदऊ थे, इनवाइटेड थे, गए नहीं गए, जाहिर सी बात है सब तो तालमेल से हो रहा है ना, कोई चीज़ तो ऐसे नहीं हो गया। और वो निकला हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी कि वो जो लेटर है वो कितना वैलिड है और कैसा है। बहरहाल ये है कि अब यहाँ पे आ गई है, और आने के बाद ज़्यादा बिलिंग का भी मसला है, और मैंने बोला कि कहीं पर 16% लिखा हुआ है और 21% भी लग रहा है। अच्छा, आप एक पेपर दिखाए थे जिसपे कुछ फर्क है अमाउंट का, तो क्या है वो जरा फर्क बताइए। देखिए, अमाउंट का फर्क ये है कि इनके पेपर में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 16% एनर्जी ड्यूटी लगेगा। एनर्जी ड्यूटी 16% है, लेकिन एनर्जी ड्यूटी जो 16% है उसके बजाय वहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया है टोटल जो एनर्जी का जो चार्जेस है उसके ऊपर, तो वो 21% आता है। तो 21% जो है वो 5% की चोरी है और डकैती पेपर तो है, तो वो 5% जो है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है। और उसी के बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि 5% जो चोरी हो रही है वो चोरी नहीं है, वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 16% एनर्जी ड्यूटी है और उसके ऊपर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 21% बन रहा है। तो ये 21% एक आदमी से नहीं लिया जा रहा है, ये चुपके से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका जो है ले मैन है, वो इतना कैलकुलेशन पे नहीं जाता, जो आता है वो समझता है जाके भर दो ख़त्म हो जाए कहानी, और इतनी मुश्किल के बाद भर देता है अपने फूल पसीने की। और चोरी छिपे यहाँ पर 21% जो लिया जाए, जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 21% है। तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो है चार्जेस भी लगने चाहिए, इस किस्म के बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, और भी अभी मैंने डीप में मैं नहीं गया, लेकिन रात में एक नज़र मैं डाल रहा था, सारे कैलकुलेट कर रहा था,
तो उसमें मुझे बहुत सारी इसमें जो है एबनॉर्मेलिटीज दिखी है, उसको मैं भी और चेक करूंगा, उसके बाद आवाम के सामने लगाऊंगा। और हम गवर्नमेंट से ही डिमांड बार बार कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर जो तबका रहता है वो दबे कुचले लोगों का रहता है ना, दलित है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, मुस्लिम्स हैं, ये लोग यहाँ पे रहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली दबे कुचले में काउंट अब होने लगे हैं, और उनको ऐसे नोच खसोट वाले कंपनी को लाकर के यहाँ पर रखना ये एक जुल्म में शामिल है। बल्कि अगर ये आए हैं तो ठीक है, मुझे हर्ज नहीं, लेकिन एक डिमांड है कि ये उसी रेट पर दें जिस रेट पे टॉरेंट कंपनी अहमदाबाद और सूरत और दहेज में, दहेज एक तरफ इलाका है जहाँ पर बहुत ही नीचे तबके के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर 25% यानी 75% माफ है यहाँ के हिसाब से, यानी जो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 1000 रुपए आ रहा है, हाँ यहाँ पर अगर 1000 रुपए किसी का आ रहा है, वहां पर उनका 250 रुपए चार्जेस आ रहा है दहेज में, ठीक है, और सूरत अहमदाबाद में 500 रुपए आ रहा है, यानी 50% का फर्क है, दहेज में और उगा दे, यानी 75% माफ है यहाँ, तो हमको माफ करके अगर इनको रहने दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर माफ नहीं कर रहे हैं इनको लूट मार करने के लिए और हमारे ऊपर केस बनाने के लिए और हमारे हमसे ज्यादा पैसा वसूल चोरी छुपे करने के लिए अगर कर रहे हैं, और मीटर काटना और मीटर के ऊपर चार्जेस लेना, जो मीटर हमें पहले 400-500-300 रुपए में मिल जाता था वो 4000-5000 अब वो मारेंगे, तो ये सब चीजें अब चलने की कोई उम्मीद इनकी नहीं है। वो सख्ती से आम आदमी पार्टी इसकी पूरी मुखालफत, पुरजोर मुखालफत भी करेगी और कहेगी कि इनको ले जाइए और हमको देना है तो इनको भी दीजिए, लेकिन आधे दाम पर दीजिए, दूसरे को भी लाइए, हम इतना पैसा यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। इधर टोरेंट की तरफ से भी कहा गया है कि जो बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी, वैसा बिल्कुल नहीं है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो MSDCL का रेट था वही चार्ज हम भी कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारा ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि MSDCL का जो चार्जेस था, तो जो MSDCL का जो चार्जेस था उससे ज्यादा तो फिक्स चार्जेस आप लगा रहे हैं, फिक्स चार्जेस आपका बढ़ा हुआ है, तो आप उनके बराबर नहीं, इसका मतलब कि आप बात में छूट है आपके। और हमने उनको उनके अथॉरिटी से बोला भी था कि आप जो कुछ कह रहे हैं ना, आप एक बार आइए पब्लिक डोमेन में, पब्लिक एक लीजिए मीटिंग बड़ी, और वहाँ पे यहाँ के लोग आएंगे, वहाँ पर आप पूरा डिस्क्राइब कीजिए और हम भी वहाँ बैठते हैं, फिर आप अपनी बताइए कि हमारा एकदम सही है, हम कहीं गलत नहीं है, हम तो गलती उन आपको इसमें ही दिखा रहे हैं कि कितनी सारी गलतियाँ हैं इनके इसमें हैं, और इनके ढके छुपे और बहुत सारे चीज़ें वो कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो जो चार्जेस, जैसे हम आपको बता सकते हैं कि जो चार्जेस जब बिजली काटने के वक्त लेते हैं और जो चार्जेस लगा रहे हैं, लूट मार तो इनका चालू रहेगा, उसमें सब शेयर जितने भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है वो सब उसमें शेयर पार्टनर होंगे। फैज साहब, देखा गया कि जैसे चुनाव गया था, चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी कहीं एक नज़र नहीं आ रही थी शहर के मुद्दे को लेकर, लेकिन चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं अब जो है टोरेंट को मुद्दे को लेकर जो है आम आदमी पार्टी सामने आई है, तो क्या अब माना जाए कि जो मुमरा शहर के तमाम मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी अब आम आदमी के साथ चलेगी? देखिए, ये बात के इलेक्शन के बाद हम लोग, इलेक्शन से पहले भी हम NRC में मशहूर थे और NPR में मशहूर थे, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी NRC बहुत बड़ा मुद्दा था, NRC का मुद्दा चलता रहा, हम लोग सारे लोग उसमें मशहूर रहे, और जब ये चल ही रहा था तो अचानक ये जो है कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में जाहिर सी बात है कि NRC का मुद्दा पीछे चला गया। अब उसमें क्या था, थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है हमारे हाथ में जितना था, तो लोगों के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, ये कोरोना के बारे में लोगों को अवेयर करना हो सकता था, हमारे कई वीडियोज 45 यानी कि कम से कम घंटों 45 मिनट का कई वीडियोज हमने उस वक्त में दिए, और लोगों के फिर जहां तक है कि टॉरेंट का, तो टॉरेंट का ये मुद्दा हमने 2.5-3 महीने पहले भी, जब कोरोना काल में हमें परमिशन भी नहीं मिला था, तब भी टॉरेंट के आते ही हमने वहां पर कोरोना काल में ही वहां पर सारा एजिटेशन भी हमने किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, बगैर परमिशन के आम तौर से नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डिस्टेंस को फॉलो करते हुए टॉरेंट के सामने 2-3 महीने पहले से भी हमने ये उठाए, और वीडियो और सोशल मीडिया और फील्ड पे भी हम मुस्तकिल रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे इंशाल्लाह। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, जिस तरह से मुमरा शहर में टॉरेंट है और इस टॉरेंट को लेकर जो है लोग परेशान, तो आप
इसके लाने का जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जहां तक जिम्मेदार, जब तक हमें ये पता नहीं था कि बीजेपी ला रही है कि कौन लाई है, ठीक है, लेकिन जब ये लेटर हमारे सामने से गुजरा है कि इस पे अजीत पवार जी का ने बुलाया है, उनका सिग्नेचर है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग के अंदर जितेंद्र ओहाट भी इनवाइटेड हैं, और ये सारे उनके नॉलेज से आया है, तो शायद जितना बड़ा गलती उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था ना कि जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे टॉरेंट नहीं आने देंगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ और आप ही ला रहे हो, और पीछे ये समझ रहे हो कि जनता तो बेवकूफ है, यहाँ की कुछ तो पता नहीं चलेगा। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो लेटर तो नजर से हमारे गुजर गया है, इससे पता बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये पूरा का पूरा खेल और ये जो है वो एनसीपी का है। और जो लोग पहले कह रहे थे कि एनसीपी को और यहाँ के लोगों को इलेक्शन में लड़ने के लिए एक बड़ी रकम टोरेंट ने दी है, अब हमारा कहीं ना कहीं उस पर भी शक जा रहा है, शक की घड़ी जा रही है कि इनको पहले भी दिया गया है, और हो सकता है कि जो फोर्थ कमिंग जितने भी इलेक्शन आएंगे उसका बेनिफिट ये लोग यहाँ से जो है उनको फंडिंग, यहाँ के जितने भी प्राइवेट है, चाहे बिजली है या दूसरी चीज है, उनसे फंडिंग होगी। तो टोरेंट के खिलाफ आपका अगला कदम क्या रहेगा, किस तरह से, क्या आप चाहते हैं कि टोरेंट शहर में रहे? अगर टोरेंट अपने उस पर सुधार करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो क्या आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? टोरेंट का दो चार चीजें सुधार करनी पड़ेगी। अगर टोरेंट को नहीं जाना है तो एक तो टोरेंट ये करे कि साहब अहमदाबाद और सूरत के रेट पे यहाँ हमको दे रेट, हमारा एमएससीडीसीएल को, इनको राइट है करने का, MSEDCL ने फ्रेंचाइजी दिया कि भाई तुम इस रेट पे दो। आपने सपोज कीजिए हमसे ये कहा कि आप इसको इस कपड़े को 400 रुपए में बेच सकते हो, हमारा राइट ये है कि हम चाहें तो हम 200 रुपए में बेच दें, आपको कोई राइट नहीं है इस पे कुछ बोलने का। तो टोरेंट अगर चाहे कि साहब आधे दाम पे जो अहमदाबाद और सूरत में दे रही है उस रेट पे हमको देती है तो प्रॉब्लम नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जो ढके छुपे हुए जो इनके चार्जेस, जो गलत बिलिंग है, उन सबों को करेक्ट करें। पब्लिक को यहाँ पर चार चार घंटा खड़ा रहना पड़ता है, वो सब नहीं चलने वाला है। कंज्यूमर्स के अपने राइट्स होते हैं, उनके पास टाइम है क्या? चार घंटा आपका कितना कीमती होगा, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चार घंटे में आपका पैसा जा रहा। जैसे दिल्ली में है कि साहब आपकी लाइट एक घंटे से ज़्यादा नहीं जा सकती है, अगर एक घंटे से ज़्यादा जाएगी तो हर कंज्यूमर को आपको 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से जितना देर काटेंगे आपको भरपाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भाई बहुत एक इशू है कि यहाँ पर आप घंटों काट देते हो लाइट, ठीक है, पता नहीं है, कोई SMS हम लोगों को नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है, कितने लोग आया है नहीं आया पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे नहीं आता है। उसके अलावा आप यहाँ पर चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे लोग लाइन पे लगे होते हैं, ये आपको कौन किसने राइट दिया है? आप एक ऐसा बना चीज़ बनाइए, कंप्लेंट लोगों को करना है, वो उस पर जाएगा, जाके टाइम लेगा, और विद इन हाफ एन आवर स्लॉट में अपॉइंटमेंट आप देंगे, और वो उस दिन का होगा, अगले दिन का होगा, एक हफ्ते के बाद का होगा, वो आपका इशू है, लेकिन वो जब तक जाएगा आप काटेंगे नहीं, जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है आप बिजली नहीं काटेंगे। और ये पुराना सिस्टम नहीं करेंगे, पहले भर दीजिए बाद में हम देखते हैं, नहीं, पहले आप ठीक कर दीजिए बाद में हम पैसा देंगे, ठीक है। तो फैज साहब, आप जिस तरह से ये बिल जो सबसे ज़्यादा आ रहे थे, एवरेज बिल, टोरेंट का कहना है एवरेज बिल हम दे रहे थे, तो उसमें तीन तीन महीने के बिल 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख आए, लोग भर नहीं पा रहे, काफ़ी परेशान है, तो इसको लेकर भी आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? क्या टोरेंट के ऑफिसर जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, या ऊर्जा मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे कि आखिर ये सब बिल कम कैसे हो? कैंप लगाने की बात सामने आ रही है, अगर कैंप भी लगेगा तो इसका 1 लाख 2 लाख का बिल है, कितना उसमें कम हो जाएगा? देखिए, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये जितने ये उस बिल को समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो कितना बिल सही है और कितना बिल गलत है, इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि, और उसके मीटर के हिसाब से भी, और ये भी देखना पड़ेगा कि मीटर जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हो सकता है मीटर रीडिंग सही हो लेकिन मीटर फास्ट हो, ये भी है, तो उस मीटर का चेकिंग से ले करके बिल तक पूरे जो बिल भेजा गया है ये बताया जा रहा है एवरेज बिल, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान कोई रीडिंग लेने आया, लॉकडाउन के अंदर जो रीडिंग हमने कहा पहले भी कि जो एवरेज बिल लिया गया है वो उसका सब्स्टिट्यूट दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता,
वो एवरेज ऐसे नहीं लिया जाता। एवरेज का तरीका जो मर्ग ने जो दिया है वो अलग तरीका है, वो उस सेम मंथ का पिछले तीन साल का लेना है, ना कि पिछले तीन इसका लेंगे, पिछले तीन साल का। उनके पास डाटा है तो उसका लीजिए, नहीं तो आप उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो लास्ट स्लॉट जो लास्ट मंथ होगा, सपोज कीजिए कि एक आदमी ने 800 यूनिट चलाया, सपोज कीजिए तीन महीने का आपको देना है, तो शुरू के दो महीने में आपका एवरेज आया है 150, तो 150 आप डाल देंगे अप्रैल में, 150 डाल देंगे मई में, ठीक है, तो बचे कितने 500, तो 500 यूनिट आप कब डाल देंगे, जून में, तो 500 जब यूनिट डालेंगे तो उसका स्लॉट चेंज हो जाता है ना, वो काफी हेवी होता है, वो जो हेवी होगा वो इनकम ये प्रॉफिटेड है, वो हर आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि स्लॉट हमारा चेंज हो रहा है, इसके वजह से बहुत ज्यादा हमारा हेवी चार्जेस आने वाला है, तो वो खत्म करना, वो इक्वल कर दीजिए आप उसको। अभी क्या टोरेंट के मुद्दे को लेकर आप लोग टोरेंट के अधिकारी या ऊर्जा मंत्री से मुलाकात? देखिए यहाँ पर कोई अधिकारी अधिकारी नहीं है, कोई मुस्लिम है, कोई इब्राहिम साहब शाह हैं, यहाँ तक मैंने, अब उनको कितना समझ में आता है, उनसे मेरी एक ही मुलाकात 10-15 मिनट की हुई है, वो अपना समझाने लगे, मैथमेटिक्स समझा रहे थे टीचर की तरफ, मैंने 2-3 सवाल पूछ दिया उन्हीं को, उन्हीं के मैथमेटिक्स से, तो फिर हो गया, उन्होंने कहा इस तरह से भी इतना ही आएगा, इस तरीके से भी है, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया कि साहब इस तरीके से 800 यूनिट जलाया है, वो 150 यूनिट का एवरेज आया है, तो शुरू में 150 डाल दिया और तीसरे वाले में 500 डाल दिया, तो उसका वो चार्जेस नहीं होगा, काफी बिग डिफरेंसेस आ गया, उनके हिसाब से बराबर आ रहा था, तो उस बात को उन्होंने फिर हठधर्मी पे रहे, बहरहाल उस दिन के बाद से आज तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, इनके यहाँ कोई बड़ा अधिकारी मुझे दिख ही नहीं रहा, इनका जो बड़ा अधिकारी है वो सब अहमदाबाद में बैठता है, यहाँ है ही नहीं है, तो बात आप किससे करने जा रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं है। ऊर्जा मंत्री उनसे ऊर्जा मंत्री टोरेंट का पार्ट नहीं है, नहीं, वो पार्ट ऑफ टोरेंट, उन लोगों से सबसे मुलाकात, ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हो गई इन सारे इशू के, क्योंकि देखिए MSETCL और टोरेंट का एक ही है फ्रेंचाइजी में, ठीक है, तो इस ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हो गई, इतने सारे लेटर्स चीफ मिनिस्टर को लिखा गया और पूरी स्टेट कमेटी जो है वो जा करके गवर्नर साहब से मिल चुकी है अभी 15 दिन पहले, तो सारी मुलाकात सारे लेवल पे हो चुकी है, और हर पूरे जितने भी कलेक्टर वलेक्टर हैं इनको तो हम 2 महीने से बार बार लेटर देते आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के सारे कलेक्टर को दिया गया है, कोई कलेक्टर ऐसा नहीं है जिसको नहीं दिया गया, सारे कलेक्टर को देते चले आ रहे हैं, फिर भी मसले का अभी हल नहीं है, हल तो तभी लगता है कि होगा जब आम आदमी पार्टी एक दिन सत्ता में आएगी, तो ये सारे जितने इनके चिट्ठे बिट्टे हैं सब ये खत्म हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से बिजली का हो जाएगा जैसे दिल्ली में हुआ इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, और खास करके टोरेंट के मुद्दे को लेकर, और जो फैजी साहब हैं उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरह से दिल्ली में बिजली व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ भी बिजली व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।